गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप यू आप लोग बहुत अच्छे हैं और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत शानदार, किसी भी तरीके से रुकावट नहीं आ रही है। ये बात मैं हर वीडियो में बोल रहा हूँ। आखिरकार इस बात को बोलने के पीछे रीजन क्या होता है कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हमें अपने बच्चों को वीक नहीं होने देना है। जिन बच्चों को हमने इतनी मेहनत से तैयार किया है, अगर वो वीक हो जाएंगे तो उसमें हमारा नुकसान भी होगा। आप लोगों का क्या होगा? जो होगा, हम लोगों की पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। इसीलिए वीडियोस को देखिए और सही तरीके से देखिए। एक बात मैं देख रहा हूँ, क्लास नाइन्थ या टेंथ में जितने भी बच्चे वीडियो बहुत कम देख रहे हैं, नाइन्थ वाले स्पेशली वीडियोज को देखिए। और वीडियो जब देखते हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखना मत भूलिएगा, ताकि हमें पता चल सके कितने बच्चे एक्टिव हैं या नहीं है। समझे स्टूडेंट्स? नाम जरूर लिख दीजिए करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और लाइक करना मत भूलिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए कोरल एंड कोरल रिप्स के बारे में आज पढ़ते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले पेज नंबर 190 खोलिएगा और पढ़ाता हूँ मैं। सिंगल और कोलिनोलियल पॉलिप्स एनिमल ऑफ मोलस्का फाइलम सीक्रेट CSCO3 स्केलेटन नॉन एस कोरल। मोस्ट ऑफ द कोरल सीक्रेटेड बाई द मेंबर्स ऑफ क्लास एंथोजोआ फाइलम कोलेंट्राला। क्या बोल रहा है ये कि एकल या निभी पालिप जंतु जो सिलिसिंटा संघ के हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से बने का बना कंकाल साबित करते हैं, जिसे कोरल या जिसे कोरल कहते हैं। अधिकांश कोरल एंथोजोआ वर्ग के जीवों द्वारा स्रावित किए जाते हैं। तो इसमें लर्न करना है, इसको अंडरलाइन जो कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट है ये। नेक्स्ट द कोलोरियस रॉक्स और मोयूंस एंड सेल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कंटिन्यूस बडिंग इन पॉलिप्स ऑफ कोरल कोलिनियल्स आर कॉल्ड कोरल रेप्स। प्रवाल निभा के पालिपों के लगातार मुकुलन से समुद्र में चुनेदार चट्टान या कवच के बने टीले के समान रचनाएं बनती है, इसे प्रवाल भित्तियां कहते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है पर्ल कल्चर, मोती या मुक्ता संबंधन। तो अगला टॉपिक है पर्ल कल्चर। समझिए क्या है ये मोती या मुक्ता संबंधन। एनिमल्स ऑफ फाइलम मोलस्का आर इकोनॉमिकली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमंस। दे आर यूजफुल फॉर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज बटन पर्ल एंड कोराइन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम दीज एनिमल्स। मोलस्का संघ के जंतु आर्थिक रूप से मानव के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बटन हुए मोती कोड़ी प्राप्त करने का लिए व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी होते हैं। पर्ल आर कंसिडर्ड टू बी वैल्यूएबल्स एंड जॉम्स एंड द बीड सिंस एनिशियंट टाइम्स। द थाउजेंड्स ऑफ टन्स ऑफ मोलस्का आर यूज एवरी ईयर फॉर दिस पर्पज। वेरी ब्यूटिफुल अट्रैक्टिव एंड वैल्यूएबल्स पर्ल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम पर्ल्स ऑयस्टर। प्राचीन काल से ही राजा महाराजा ही माला मोती वगैरह पहना करते थे, आपको देखा होगा टीवी वगैरह में, आप लोग देखते होंगे। तो प्राचीन काल से मोती रत्नों और मणियों के मूल्यवान माने जाते आ रहे हैं। इस कार्य के लिए मोलस्का के हजारों टन कवच प्रतिवर्ष उपयोग में लिए जाते हैं और मुक्ति सूक्तियों से अति सुंदर व आकर्षक मोतियाँ निकलते हैं। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेन पर्ल फ्रॉम रेयरिंग ऑफ सीपिया ऑफ आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी मेथड एज कॉल्ड पर्ल कल्चर। कृत्रिम तकनीक के माध्यम से सीपियों को पालकर उनसे मुक्ति या मोती बनाकर प्राप्त करना ही मोती संवर्धन कहलाता है। पर्ल इज कंसिडर एस ए वैल्यूएबल जम विच ए यूजुअल वाइट शाइनी राउंडेड स्ट्रक्चर विच सीक्रेटेड मोलस्का लाइक ऑयस्टर अंडर द सेल ऑफ इट्स सेल फॉर दियर प्रोटेक्शन। मोती को एक मूल्यवान रत्न माना जाता है जो प्राय सफेद चमकीली गोलाकार संरचना होती है, जिसे ऑयस्टर जैसे कि मोलस्का अपने कवच के नीचे स्वयं की रक्षा के लिए स्रावित करते हैं। आखिरकार मैं इसको समझाता हूँ आपको। मैं शंख देखा है क्या आप लोगों ने? मंदिरों में मिल जाएगा आपको। शंख होता क्या है आखिरकार? वो भी इसी शंख का है। शंख में एक इंसेक्ट अंदर की तरफ रहता है, वो इंसेक्ट के ऊपर जो शंख देखते हो ना आप लोग, व्हाइट कलर का कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ रहता है, उसके अंदर इंसेक्ट रहता है, वो कीड़ा रहता है। उस कीड़ा जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ जो शंख जैसा खोल सफेद रंग का कवच होता है वो उसकी रक्षा करता है। बट हम लोग जो मंदिरों में काम में लेते हैं वो भी शंख है। वो क्या कहते हैं, समुद्र किनारे पाए जाते हैं शंख, वो जीव है, एक इंसेक्ट है, वो कोई दुकान पे फैक्ट्री में बना हुआ शंख नहीं होता है। वो समुद्र किनारे पाए जाते हैं शंख, उसके अंदर कीड़े को मार कर उसकी सफाई करके फिर उसका शंख, फिर हम शंख का उपयोग करते हैं, जिसका धार्मिक कामों में काम भी आता है।
उसके बाद आप लोगों को दिया गया है दिस टेक्नोलॉजी इज फर्स्ट डेवलप्ड इन जापान लिंगा पर्ल आर कंसिडर्ड एज द बेस्ट विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी ओएस्टर पर्ल्स आर ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी पिया और फ्रेश वाटर आर लेस वैल्यूएबल्स। यह तकनीक सर्वप्रथम जापान में विकसित की गई थी। अंडरलाइन करेगा, समुद्री ओएस्टर से प्राप्त करने वाले लिंगा मोती सबसे उत्तम माने जाते हैं जो कि स्वच्छ जल में पाए जाने वाले सीपियों से प्राप्त मोती कम मूल्यवान होते हैं। एक चीज ध्यान रखना, मछलियां यदि स्वच्छ जल में कम उत्पादन होती है और स्वच्छ जल में ज्यादा उत्पादन होती है, मीठे पानी में ज्यादा उत्पादन होती है खारे पानी की तुलना में, लेकिन मोती हुए ये मूल्यवान कौन से ज्यादा होते हैं? खारे पानी में पाए जाने वाले मोती ज्यादा मूल्यवान होते हैं, ज्यादा वैल्यूएबल्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एक टॉपिक और रहा है अदर यूजेज ऑफ एनिमल्स, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, उसी के साथ ये अपना चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही काफी है, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के टॉपिकों को पढ़ेंगे और चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सो वीडियो देखते रहिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।